कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और जहाँ होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं खाना से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। सबसे पहले तो आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, ये ज्योति और हमारा कैमरामैन, हेलो, हाय गाइस, ये और कैमरामैन में पूरे एंड तक बने रहियो आप लोग, प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आपसे। ये और कैमरामैन गए थे दोनों सुई लगवाने के लिए, इनको कुत्ता काट लिया है फ्रेंड, यही कटा है मत कर, हर हमेशा छेड़खानी करते हैं तो क्या करेगा। तुम कल ना कर तो देखो मुंह, देखो किसी बात, देखो कल बात, तुम ना मुंह पाओ उधर फ्रेंड लोग से नमस्कार हाय हेलो कर लो, तुम बहुत सब इनकी बदतमीजी है, सब इनकी छेड़खानियां, इनके ही चलते आज प्रथम बीमार हो गया। हर हर महादेव आप लोग को भी, खूब सारी खुशियाँ ले आए और खूब सारी बारिश हो, और आप लोग के यहाँ भी धान वान की खेती होती हो, हमारे यहाँ तो दो साल से नहीं हो रही है, क्या ही बताएं। तो गाइस सबसे पहले आपको बता देंगे इनकी, देखो ये कहीं भी निकलती है तो बिना दो तीन घंटा की ये लेट नहीं जाती है कहीं भी। प्रथम को ले गई है एकदम घाम में कराके, अब उसको आ गया बुखार, बताओ हम क्या करें। चलो उसका कंडीशन दिखा देते हैं, आज कैमरामैन हमारे साथ नहीं रहेगा, आज हमारे वीडियो में सिर्फ हम और ज्योति, मम्मी कालू रहेगा, कालू तो आपको प्रबली दिखता है हमारे वीडियो में। चलो चलते हैं अभी अंदर, अभी सोया है, चलो दिखा देते हैं घर में। आप देखो देखो पूरी देह इसकी गर्म है, इधर आओ, भागा गए थे दवाई का नहीं लियो, हाँ इधर एक बार देखो, भागा गए थे दवाई का, देखो इसके मुंह में पूरा, इसके आंखों में आंस भरे हुए हैं, ठीक है डॉक्टर को बुला दे। हाँ सब ज्योति का गलती है, आज हमारे प्यारे भाई जो कि 8 साल बाद आया है, बताओ सब इनका गलती, इनके चलते उसको बीमार कर दी, जगाओ उसको दवाई वाई दो, नहीं डॉक्टर को बुलाओ। सुनो तो अभी कुत्ता का सुई लगवा के आया फ्रेंड, तो अभी ठीक नहीं है, अभी कल इसके करवाएंगे दवाई, सो रो ना तुम। आज है बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम और बहुत ही सुनहरा मौसम है, तो आपको पता है कि जब बारिश होती है तो बहुत सारे प्रकृति मतलब खेतों में बहुत सारा नया नया साग वगैरह या फिर और ये मशरूम वगैरह देखा जाए, तो आज हम बनाने वाले हैं बाहर खाना क्योंकि मौसम काफी अच्छा है, घर में हमारी लाइट नहीं रहती है। तो अभी ज्योति झाड़ू लगा रही है यहाँ पे, इसके बाद ये लगा लेती है, तो यहाँ पे हम ईटे का एक चूल्हा बनाएंगे, आज का खाना हमारा बाहर ही रहेगा। चलो अभी ईटा लाते हैं, हम बनाएंगे साग और हाथ वाली लिट्टी, तो आप जिसको पानी लिट्टी बोल सकते हैं हम लोग, नहीं हाथ वाली लिट्टी, पानी वाली लिट्टी, हाथ वाली लिट्टी, हाथ वाला लिट्टी और साग बनाएंगे फ्रेंड, आप लोग पूरी ब्लॉग में बने रहिए। चलो चलो आओ अभी पहले ईटा लेकर आते हैं। तो गाइस अभी सबसे पहले हम ईटे को आराम से सरिया लेते हैं, पहले इसके अच्छे से मतलब इसको तीनों सरिया कर, इसके बाद इसमें मिट्टी लगाएंगे अच्छे से, ताकि जितने दिन बरसात हो जितने दिन हम बाहर ही खाना बनाए अच्छा रहेगा। इन पखियारियाँ बहुत ज्यादा परेशान करती है कि रोना रोना। ये रहा हमारा चूल्हे का साँचा, अब इसमें मिट्टी लगाएंगे थोड़ा सा। सो गाइस अभी हम बाल्टी लिए हैं, ज्योति फावड़ा लेकर मिट्टी की खुदाई कर रही है और हम जा रहे हैं पानी लेने, इधर अपने टंकी पे आ गए हैं। गाइस हम भी पानी लेकर हम ज्योति के पास पहुंचते हैं, ज्योति यहाँ पे मिट्टी भर रही है, इसको गीला करो, आलन लेकर आओ। तो अभी मौसम देखो कुछ गिरा गिरा बादल ऐसे दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है कुछ देर में बारिश होने वाली है। को कालू भी आ गया चिल्ला देखने, कालू। तो अब हमारा ये मिट्टी लगभग तैयार, अब ज्योति दीदी इसको बना रही है। तो गाइस अब हमारा चूल्हा लगभग रेडी हो गया है, तैयार हो ही चुका है, टोकन बना रही है ज्योति इसका, कितने अच्छे से लिपाई की है इसका। गाइस अभी हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है, अब हम तसला लिए हैं, जा रहे हैं सिवान में साग खोटने, इधर के सिवान में। तो गाइस अभी थोड़े से दूर पे आए थे, हमको ये चाकोर दिख गया, देखो इसकी हम ऐसे जगह पे आ गए जहाँ हमको बहुत सारा चाकोर मिल गया, ये देखो बहुत ज्यादा खुश हो गई ज्योति यहाँ पे आके। जल्दी जल्दी खोट लो, बारिश होने वाली है, लग रहा है कुछ टाइम में बहुत ही तेज बारिश होगी। हमारे कैमरामैन भाई का भाई मन नहीं लग रहा है, घर दुलही बने आ गया है यहाँ पे, तसलवा लेते आओ, इनका
इतना भी मन नहीं लगता बिना ज्योति से लड़े बिना हम लोग के साथ रहे। तो अब हमारा लगभग साग खुटा चुका है ये चकोड़ वाला, और भी इसमें साग मिक्सिंग करना है। चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। तो फ्रेंड अभी इसमें हम चकोड़ का साग इतना खोट लिए है, अभी इसमें जाएंगे चौराहे का साग खोटने के लिए। और वो जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं हमको नाम भुला गया है, मम्मी से पूछ के बताएंगे। अभी दो तीन साग और मिक्सिंग करना है, एक होता है लंबा लंबा सबके, अभी बताएंगे। हम लोग आए हैं खेत में, कोई वेटिंग कर रहा है घर पे हम लोग का, बोरे लाल आए हैं घर पे। चलो आपको भी दिखाते हैं घर पे गाइस। तो यहाँ पे कुछ है चौराहियों की साग, आ जाओ पहले इनको ले लेते हैं इसके बाद चलते हैं। ये है कुछ चौराही के साग। अरे ये नाजुक नाजुक बहुत अच्छे अच्छे है मम्मी, इधर देखो इधर इधर इस साइड देखो कितना बड़ा बड़ा लगा है। दीदी इधर साइड मस्त है यार, देखो ये गिरनिया वाला साग इधर भी आ गया है देखो। गाइस हम साग भी खोट रहे हैं, डर भी लग रहा है, भगवान तो ऐसे आ रहे हैं डराते डराते, क्या बताएं हम आपको, लग रहा है कि बाहर आज खाना ही नहीं बनेगा हमारा। बोलते बोलते बारिश आ गई, ज्योति लकड़ियां अंदर करने लगी, देखो बारिश इस साइड से आ गई, आ गया। गाइस बोलते बोलते बारिश आ गई, अब क्या करें, अब हम लोग इस हाल में अभी साग भी नहीं खोट पाए पूरा। तो अभी हम अपने घर के पिछवाड़े आए हैं चिचड़ा वाला साग लेने, क्या बोलते हैं इसको। तो गाइस इधर खाओ। तो फ्रेंड ये है देखो चिचड़ा की साग है, देखो जिसको चिचड़ा ही बोलते हैं यहाँ पर, आपकी तरफ इसको आपको पास से दिखा दे रहे हैं, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करना इसको। ओह नो बारिश बहुत तेज हो रही है गाइस, ये देखो कितने देर मोबाइल पे जाएगा लग रहा है कि। चलो चलो ज्योति भीग रहे हम लोग पूरे कैमरे पर, देखो सारी जगह बारिश हो रही है, कैमरा पर पूरा पानी पड़ गया। हमारा साग लगभग रेडी, अब हम लोग आए टंकी के पास, यहाँ से साग धो लेते हैं और इसके बाद चलते हैं। तो यहाँ अभी हम अपने साग को छान कर निकाल लेते हैं, मैंने ज्योति अभी निकाल रही है इसको, फिर इसके बाद चलते हैं, लकड़ी वकड़ी रखते हैं वहीं पे, फटाक से खाना बना लेते हैं। मौसम भी काफी ज्यादा खराब हो गया है, अभी देख रहे थे आप लोग थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। तो गाइस अभी सब सामान यहाँ पे हम रेडी कर चुके हैं चूल्हे के, यहाँ ज्योति साग कटिंग कर रही है और हम चलते हैं अपना आटा लेकर आते हैं, हम अपना आटा सान लेते हैं। तो गाइस यहाँ हम घर में आए हैं आटा निकालने, इस बोरे में से निकाल लिए हैं, चलते हैं हमारे आटा लाने में। मैं तब तक ज्योति का ये साग कटिंग हो गया, यहाँ तड़का भी लग गया भाई, कितनी अच्छे से ढक दिया इसको और इधर चूल्हे में आग भी जला दी, और हम चलते हैं ये अपना आटा अब सान लेते हैं। अभी फ्रेंड हम आटा पहले मार लेते हैं, इसके बाद ज्योति वहाँ कब से आग जला रही है, चूल्हे में जल ही नहीं रहा यार, ठंडी का अभी फटाफट हम आटा मार लेते हैं। ज्योति का आग जल गया है, कब से परेशान थी जल नहीं रहा था। सब मक्खियां भी इसी में ज्यादा परेशान करती हैं। हमारा आटा लगभग हमने इधर सान के रख दिया है और ज्योति अभी तक आग को लेकर परेशान है, जला ही नहीं अभी तक, कढ़ाई दिख गई, तेल डाल रही इसमें। तो गाइस हमारा तड़का लगभग लाल हो गया है, अब साग इसमें जैसे डाल रही है, इसके बाद हम लोग रोटी बनाएंगे इसको हो जाते हैं। हमारा साग लगभग रेडी हो चुका है, देखो ये चकोड़ का साग है इसलिए थोड़ा सा भरना टाइप में आएगा। हाँ फ्रेंड तो ये चकोड़ का साग है और दो ही लोगों को खाना है ना, दो ना तीन लोगों को खाना है, हम लोग का खाना नहीं तो हो जाएगा, हम लोग का खाना नहीं बन रहा है इसलिए। तो चलो अभी पानी वाला लिट्टी दीदी कर रही है, मैं लगा देती हूँ, तो चलो इनसे लगवा लेते हैं, अब हम सबको खिला उला देते हैं खाना वाना। क्या सही खाना। हाँ। चलो
तो अभी हम ज्योति साहब उतारने जा रही है, हम तावा लेकर यहाँ पे रेडी हैं, थकती है, उतारे तो अभी हम साग को पहले उतरवा लेते हैं, इसके बाद हम तावा रख कर लिट्टी हम ही बनाएंगे, ज्योति खिला देगी, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम लोग का काम तो 6 भी बच गए। हाँ तो गाइस इस तरह से बनती है हमारी हथुई लिट्टी, इस तरह से अलट पलट के ऐसे इसे इसको पानी से भी लगा कर बनती है, इसको ऐसे ऐसे करके तब तावा पर रखेंगे। तावा भी जल गया है, जल्दी करो, तावा जल गया है। बनाते बनाते शाम हो गई है और दीदी का एक लिट्टी है उस पे है, तावे पे है, देख लो जल्दी जल्दी खिलाओ। मुझे लग रहा है 6:30 बज गए हैं इस टाइम, और देखो सारी लिट्टी दीदी बना दी है, इतनी लिट्टी बनाई है और एक तावा पे है ना दीदी, एक तावे पर हमारा लास्ट वाला लिट्टी तैयार हो गया है, चल करो खिला खिला देते हैं। फ्रेंड आप लोग भी आइए, ये मोटी मोटी लिट्टी हाथ की खा लीजिए, आओ आप लोग बनाए। तो साग निकाल रही है और भाई लोग को खाना देगी जल्दी जल्दी, तो आप खा लेंगे, नहीं तो रात को सब पखियारियाँ खाने में पड़ जाती हैं तो खाने का सब स्वाद खराब हो जाता है। ये देखो एक लिट्टी और बचने रख ली, आज इसकी तबीयत खराब है, ज्योति इसको टुअर टप्पा की तरह नीचे बैठा दी है, एक तो धुआं लग रहा है, उसका तबीयत भी खराब है, धुएं में बैठा दी है। अरे यार इस हमारा आखिरी और ये लिट्टी बहुत ही मस्त फुला है, ज्योति खाना लेकर भैया को इधर बैठाई है, बाबू को उधर बैठाई है, अब खाना दे रही है, पानी पानी भी दे दो, सो गाइस आई होप आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया, कैसा है स्वाद, कैसा है इसका अभी सच्चे में, हम तो व्रत है नहीं तो थोड़ा सा चखी लेते, ज्योति जब जब हम व्रत रहते हैं तब तब इतना बढ़िया खाना बनाती है कि मेरे मुंह से पानी टपक जाता है। कैसा है भैया, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुमके लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।